हमीरपुर के पास पक्काबरों में आज टू व्हीलर व चार पहिया वाहनों के ट्रायल का आयोजन किया गया। सुबह से ट्रायलों के लिए कई लोग पहुंचे हैं। वहीं एमबीआई अभिषेक ने बताया कि बड़े चार पहिया वाहनों के ट्रायल शाम को 4 बजे से आयोजित किए जाएंगे। वहीं एमबीआई अभिषेक ने बताया कि सबसे पहले 2 पहिया वाहनों के ट्रायल किए जा रहे हैं। 2 पहिया वाहनों में लगभग 120 ट्रायल के लिए लोग पहुंचे हैं और 4 पहिया छोटे वाहनों में कार के ट्रायल के लिए 100 तक लोग पहुंचे हैं, जिनमें से 80 ट्रायल हो चुके हैं और 60 ट्रायल पास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े 4 पहिया वाहनों के ट्रायल शाम को 4 बजे से आयोजित किए जाएंगे। अभी तक तो ट्रायल चले हुए हैं और सुबह से अभी 2 व्हीलर के चले हुए हैं। 2 व्हीलर में अभी 120 तक हमने ले लिए हुए हैं ना, और उतने ही अब 100 और 120 के आसपास ही कार के हैं ट्रायल, और कोई अभी जितने हुए हैं 80 का टेस्ट हो गया, उनमें से 60 के आसपास पास हैं, कोई 15-20 फेल हुए हैं। मैक्सिमम रिजल्ट मतलब पास ही है, कुछ ही हैं कैंडिडेट जो फेल हुए हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट पास हैं। और जो हैवी के आए हैं कुछ लड़के, जिनका हैवी का ट्रायल है जैसे बस का और ट्रक का, वो शाम को ही होगा 4 बजे के आसपास, क्योंकि पहले हम स्कूटर वालों को और आम पब्लिक को फ्री कर लेंगे। जिनका हैवी का ये ज़्यादातर उनको चाहिए होता है, जो कोई जॉब वाले बद्दी में कर रहे हैं, बद्दी नालागढ़ में, तो वो लड़के होते हैं जो जॉब उनको हैवी का लाइसेंस की जरूरत होती है, वहाँ पर कई ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं पोस्टों के, तो उनका टेस्ट तो 4 बजे के आसपास ही होगा, क्योंकि वो बाद में लेंगे जब ये पब्लिक फ्री हो जाएगी।